मुसनद अहमद जिल नंबर 3 सफा नंबर 266 पर एक हदीस आई है, मन सर्रहु अयुमद्द लहु फी उमरिही व युज़ादु फी रिज़्क़िही फलयबर्र वालिदैही व लियसिल रहिमा। जो आदमी चाहता है उम्र लंबी हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, माँ बाप की खिदमत करे, सिला रहमी करे, रिश्तेदारों का ख्याल रखे। अब एक बात बताना और है, यहाँ कुछ भाई बोल रहे हैं कि मौली साहब सिर्फ बेटा ही माँ बाप की खिदमत करेगा कि बेटी के लिए भी कुछ है? वन साइड क्यों बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बेटा ही माँ बाप की खिदमत करे और बेटी? बेटी भी माँ बाप की खिदमत करेगी। आजकल हमारे दरमियान एक चीज बहुत मशहूर है कि बेटी पराया धन है। नहीं, बेटी अपना धन है, क्योंकि बेटी की वजह से बाप को जन्नत में जाने को मिल रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को मिल रहा। मैं कोई हदीस नहीं जानता कि अगर बेटे की तरबियत कर दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, लेकिन बेटी की तरबियत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जन्नत में रहेगा। तो अपना धन हुआ या पराया धन हो गया? अपना धन है भाई। दलील सही मुस्लिम किताबुल बिरोसिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 46 हदीस नंबर 2631 मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौम अल कियामा अना व हुवा व जम्मा साहियो। जिसने दो बेटी की सही तरबियत कर दी वो और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते साथ में जन्नत में रहेंगे।